तो भाई लाइफ का तो भी कुछ भी कहना मुश्किल है। पोस्ट कोरोना कब नॉर्मल लाइफ हो पाएगी हमारी, कब थिएटर्स ओपन हो पाएंगे, कब थिएटर्स में मूवीज लग पाएंगी और कब हम लोग थिएटर्स में मूवी देखने जा पाएंगे। बट थैंक्स टू OTT चैनल्स जिन्होंने थ्रू आउट दिस पेंडेमिक मतलब 1.5 साल से हम लोगों को एंटरटेन किया और जो भी ये स्ट्रेस्ड माहौल था काफ़ी हद तक उसको कम करने की कोशिश की। सो एक और बड़ी मूवी जिसकी बहुत टाइम से दरकार थी, एक बहुत बड़ा कॉमेडी डोज हम सबको लगने जा रहा है इन शेप ऑफ हंगामा 2, एक बहुत बड़ी फिल्म कॉमेडी फिल्म का सीक्वल आ रहा है दोस्तों। सो किंग ऑफ मैस, मैं किंग ऑफ मास नहीं कहूँगा इन्हें, किंग ऑफ मैस प्रिया दर्शन जो अपनी बहुत ही मैसी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी के थ्रू हमें बहुत ज़्यादा हंसाते रहे हैं और क्या ही कॉमेडी डाल देते हैं वो अपनी इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज के अंदर, फिर चाहे वो भागम भाग हो, फिर चाहे वो गर्म मसाला हो, हलचल हो, हंगामा हो, छुप छुप के हो जो मेरी मोस्ट फेवरेट है प्रिया दर्शन की लिस्ट में से, इतनी सारी मूवीज़ वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज लिखकर और सिचुएशनल कॉमेडीज़ वो देते हैं जिसमें बहुत मज़ा आता है। सो हंगामा 2 भी रिटन एंड डायरेक्टेड बाय प्रिया दर्शन है दोस्तों, जिसका ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है एंड हंगामा 2 इज़ गोइंग टू बी प्रीमियर्ड ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP ऑन दिस 23rd of July। सो 23 जुलाई को एक बहुत बड़ी कॉमेडी फिल्म आ रही है दोस्तों, मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से दरकार थी इस चीज़ की। अगर मैं स्टार कास्ट की यहाँ पर बात करूँ तो परेश रावल जी जो हंगामा के अंदर भी थे राधेश्याम तिवारी के करेक्टर में, यहाँ पर भी उसी करेक्टर के अंदर है। शिल्पा शेट्टी है यहाँ पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी के रूप में। उनके अलावा मिजान जाफरी जिन्होंने मलाल से अपना डेब्यू किया था, संजय लीला भंसाली ने उनको डेब्यू करवाया था मलाल से। सो उसके बाद अब हंगामा 2 के अंदर आ रहे हैं वो। प्राणिता सुभाष जो भुज की शूटिंग इससे पहले ख़त्म कर चुकी थी, बट अगर हम रिलीज़ की बात करें तो ये उनका डेब्यू होगा हिंदी इंडस्ट्री के अंदर। सो इनके अलावा राजपाल यादव भी पहले वाले करेक्टर के अंदर ही हैं और भी बहुत सारी स्टार का समय यहाँ पर देखने को मिलने वाली है और अक्षय खन्ना का भी यहाँ पर कैमियो होने वाला है दोस्तों। ऐसे ट्रेलर से जो आइडिया लगता है स्टोरी का वो ये है कि परेश रावल जो राधेश्याम तिवारी हैं उनकी पत्नी है शिल्पा शेट्टी, अब राधेश्याम तिवारी को लगता है कि उनकी पत्नी का अफेयर चल रहा है मिजान जाफरी के करेक्टर के साथ। अब एक लड़की और टपक पड़ती है यहाँ पर प्लेड बाय प्राणिता सुभाष जो ये क्लेम करती है कि ये बच्चा है मेरा और इस बच्चे का जो बाप है दैट इज़ मिजान जाफरी का जो भी करेक्टर है वो। तो मिजान जाफरी इस चीज़ की हेल्प लिए जाता है तिवारी के पास यानी कि परेश रावल के पास, और परेश रावल को ये लगता है कि इसका तो चक्कर है मेरी पत्नी के साथ जबकि ऐसा कुछ है नहीं, बट वो डाउट में है इस चीज़ के, तो मैं इस चीज़ की इसकी हेल्प क्यों करूँ। तो ये सारा मैस है दोस्तों, तो क्या तिवारी उसकी हेल्प कर पाएगा और तिवारी की ये गुत्थी सुलझ पाएगी कि ये मेरी पत्नी के साथ अफेयर में नहीं है या सच में उसकी पत्नी का और मिजान जाफरी का करेक्टर का अफेयर है। तो बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पर आ जाती हैं हमेशा की तरह जो भी प्रियदर्शन लेकर आते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी मैसी एक कॉमेडी यहाँ पर आ रही है हमारे सामने। पंचीज मुझे उनके यहाँ पर थोड़े एवरेज लगे, लेकिन उनकी पंचीज से ज़्यादा सिचुएशनल कॉमेडी अच्छी होती है, फिर चाहे वो गरम मसाला हो, छुप छुप के हो, फिर चाहे वो भागम भाग हो, जितनी मूवीज़ उन्होंने लिखी हैं सिचुएशनल कॉमेडी बहुत होती है। माला माल वीकली तो यहाँ पर भी बहुत सारी सिचुएशंस हमें देखने को मिलने वाली है। और ट्रेलर देखकर मेरा थोड़ा सा मूड खराब हुआ क्योंकि चुरा के दिल मेरा को रीमेक किया गया है यहाँ पर, क्योंकि शिल्पा शेट्टी वहाँ पर भी थी, शिल्पा शेट्टी यहाँ पर भी है और सिग्नेचर स्टेप भी यहाँ पर लिया गया है, जो मुझे थोड़ा सा दुखदायक लगा कि यार मतलब नया गाना कोई ना कोई लेना चाहिए था इनको, पुराने गाने बहुत ज़्यादा घिसा चुके हैं हम लोग, अब उन्हें रहने देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सो ये रीमेक वाला फंडा अगर हम छोड़ दें, ओवरऑल जो ट्रेलर मुझे लगा दैट इज़ वेरी क्लासी, दैट इज़ वेरी मासी मैसी, सब कुछ है इस ट्रेलर के अंदर। सो आई विल डेफिनेटली वॉच एंड रिव्यू इट दोस्तों। अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जरूर देखिएगा और मुझे अपने रिएक्शंस बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर। और आपको मेरा ट्रेलर रिएक्शन कैसा लगा हंगामा 2 के ऊपर ये भी मुझे जरूर बताइएगा। इफ यू लाइक इट देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं टीजर ट्रेलर रिएक्शंस मूवी सीरीज रिव्यूज के लिए। सो मिलता हूँ जल्दी अगली किसी वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।